अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। आपका भाई तैयार हो चुका है, और उठते ही व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था, और तो मोबाइल चार्ज पे लगाया, फटाफट खाना खाया। नाश्ता तो होता ही नहीं है यार हमारी ज़िंदगी में, खाना होता है डायरेक्ट। तो खाना खाया, और खाना खा के फटाफट नहाया हूँ, नहा के बस फटाफट जो है तैयार हुआ हूँ, और अब जा रहे हैं वाइफ के घर, ससुराल जा रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ आ गई है गायें, तो हम उसको देखने जा रहे हैं, और जाना बहुत ज़रूरी है तो चलते हैं। अगर रास्ते में हो सका तो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करेंगे, वरना फिर वहाँ जाके इंशाल्लाह जितनी हो सकी आगे की व्लॉगिंग करेंगे। तो आपके भाई ने आज कुर्ता शलवार पहना है, तो बहुत गर्मी है यार, पैंट शर्ट पहनने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बेसिकली शर्ट तो कोई इशू नहीं करती, लेकिन पैंट ना आती की तैसी कर देती है, इतनी गर्मी है ना कि आपको क्या बताएं। तो कुर्ता शलवार पहन लिया, चलते हैं वहाँ जाके, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से ज्वाइन करते हैं, और आप लोगों से फिर शेयर करते हैं कि कैसी आई है गाय, आप लोग भी बताइएगा। रास्ते में बेशुमार जगह गाय मंडी और बकरा मंडी लगी हुई है, तो मैं आपको दिखाता चलूँगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या बिक रहा है। तो चलें आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे कि कहाँ कहाँ गायें और बकरे बिक रहे हैं, बेशुमार जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। मौसम तो भाई बहुत ही आला था आज, क्या बताएं आपको मौसम का। चले मौसम के बाद अब फिर देखें बकरे, और बकरे देखने के बाद फिर देखें कुछ और गायें और कुछ और बकरे, और अब भैंसे भी हैं, और अब आ गई है नर्सरी। वाह भाई वाह, क्या नर्सरी है, यहाँ हर तरह का पौधा मिलेगा आपको। और अब हम चल दिए हैं हाईवे की तरफ, और आपको दिखाते जाएंगे मौसम, क्या खूबसूरत मौसम था आज। और अब हम बढ़ रहे हैं उस रोड की तरफ जिस पे चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि अब ये बनने वाली है तो दिल को सुकून है कि यहाँ से अब गुजरना कुछ दिनों में आसान हो जाएगा। तो भाई अब आ जाते हैं, डलवाते हैं पेट्रोल, और आपके भाई ने डलवा लिया पेट्रोल, और अब पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, और दोबारा से आपको मौसम का दिखाते हैं हाल, क्या खूबसूरत मौसम है भाई, बेहतरीन मौसम। और फिर दोबारा से यहाँ पे पैच डलने वाला है रोड का, तो वही रोड ही बिछी हुई है, और बाइक चलाना मुश्किल है। फिर से कुछ और बकरे आ गए हैं, और अब आपके सामने आएगी कचरा कुंडी। भाई यहाँ सांस नहीं ले सकते, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी, शीशे बंद हो या खुले, अब यहाँ पे सांस लेके नहीं कुछ कर सकते। और अब हाईवे शुरू होने वाला है, यहाँ पे गाड़ियों के बेशुमार शोरूम्स हैं, और मैंने बेगम को बोल दिया है क्योंकि हाईवे शुरू हो गया है तो मोबाइल अंदर रख लें, अब बाकी की व्लॉगिंग ससुराल पहुँच के होगी। तो मिलते हैं आपको ससुराल पहुँच के। ओके जी। तो भाई पहुँच गए, बस जा रहे हैं अंदर, और चाहकर अभी गाय नहीं देख सकेंगे, ऑफिस शुरू होने वाला है, तो बीच में ब्रेक मिलेगा तो फिर गाय देखेंगे। तो भाई अपनी गायें तो अभी तक हमने देखी नहीं है, लेकिन गैलरी में आए तो ये एक गाय देख गई है, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दूं। जब अपनी गाय देखने जाएंगे तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे, जब तक आप ये देखें। अजान हो गई है, पढ़ते हैं नमाज जल्दी से, नमाज पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह ऑफिस शुरू करेंगे, और फिर जब गाय देखने जाऊंगा तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगा कि कैसी आई है गाय। तो भाई आप लोगों ने क्या सोचा था कि मतलब अगर हम कहीं जाएंगे तो चाय नहीं पियेंगे? चाय तो हमारी साथ चलती रहती है, चाय पीते हुए दिखा नहीं सका आपको, वेबिनार चल रहा था, वीडियो नहीं बना सकता था, तो अभी भी वेबिनार ही चल रहा है, लेकिन चाय मैं पी चुका हूँ और कप यहाँ रख दिया है, और अभी भी वेबिनार ऑन है। मीटिंग ख़त्म हो गई थी और उसके बाद शुरू हो गया है वेबिनार, पता नहीं भाई कब तक चलेगा, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी, लेकिन देखते हैं और इन्जॉय करते हैं वेबिनार। भाई निकल चुका है खाना, वेबिनार में मिला है 10 मिनट का ब्रेक, और इसमें पूरा खाना खा के वापसी आना, मेरे पसंदीदा अंडे आलू। भाई ये वेबिनार बहुत ही लंबा हो गया है, खाने के बाद भी 1 घंटा हो चुका है, ख़त्म नहीं होके दे रहा ये वेबिनार, ऐसा लग रहा है कि ये आज ख़त्म नहीं होगा, और आज हफ्ता है और ये चलता रहेगा। तो भाई चाय मांग ली है, चाय पी लें, वरना मैं बैठ नहीं सकता, और इस चाय को पी के जो मज़ा आया है क्या बताएं आपको, बेहतरीन चाय बना दी है बेगम ने हमारी, तो चाय पी ली है और पी रहे हैं बल्कि, और अगर ये चाय नहीं पीते तो वेबिनार आगे नहीं ले सकते थे। तो करते हैं इंजॉय चाय के साथ। भाई धो लिया है मुँह हाथ, और बस वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, क्या कर रहे हैं, वेबिनार ख़त्म हो तो फिर घर जाएँ,
जो जिस मकसद से आए थे गाय देखने, गाय भी देखने आगे, तो हाथ धो लिया, सुकून मिला, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, वेबिनार तो ख़त्म नहीं हुआ, चलते हैं देख के गाय, चलते हैं देख कर गाय कैसी है, तो जा रहा हूँ देखता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सो रही हैं गाय साहिबा, भाई गाय भी आराम करती है, क्या मतलब इंसान ही आराम करेंगे। और अब दिखाते हैं हम आपको हमारी गाय, वाह भाई वाह, ससुराल की गाय। चलें भाई जल्दी से माशाल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, जल्दी से माशाल्लाह कहें। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत गाय है, इसको हम अभी तक कुछ पहना नहीं सके हैं। भाई पहनाने क्या सकेंगे, ये तो हाथ ही नहीं लगाने दे रही है। कल रस्सी खोली थी तो लेके भाग गई, बड़ी मुश्किलों से वापसी आई है, लेकिन अभी एक बहादुर लड़का आप लोग देखेंगे जो इसको हाथ लगा लेगा और देर तक हाथ लगाता रहेगा। और ये बहादुर लड़का आ चुका है, और ये जो दूसरा आप लड़का देख रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है भाई, इसके पैरों में बैठ गया है और पायल निकाल ली है। लेकिन जो ये अब आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ये वो लड़का है जो बहुत देर तक इसको प्यार करता रहा है, वही खुर्राट गाय जिसको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा था, ये उसको बहुत देर प्यार करता रहा है। बाकी की वीडियो हमने काट दी है जिसमें इसने इसको उड़ा के फेंका था। अब भाई ये तो मैंने डिलीट कर दी थी, ये किसने डाल दी? अरे 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 नहीं भाई, नहीं नहीं भाई नहीं, अरे बच गया लड़का भाई, बच गया, सही में बच गया लड़का। चारा डालना है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो टब है वो ले लिया जाए, टब लेने आए, टब लेके चलते हैं फिर चारा डालेंगे। बाकी एक गाय और आ गई है, वो फिर दोबारा दिखाएंगे आपको। ले लिया टब, चलते हैं चारे वाले कमरे की तरफ, बनाते हैं चारा। भाई बनाते हैं चारा, हमारा भाई दिन रात खिदमत कर रहा है गाय की, 3 दिन हो गए भाई को, बहुत कम टाइम सो रहा है, तो बना रहा है चारा इस वक्त, और गाय के लिए बहुत ही बेहतरीन सा खाना ये तैयार कर रहा है। उसकी सबसे पसंदीदा गाय की भूसी को बार बार डाल रहा है, तहे लगा रहा है भूसी की, तो गाय ने बहुत ही मज़े मज़े से इसको खाना है। तो करते हैं चारा तैयार, अब ये मेरा भाई एक और तह लगा रहा है भूसी की, और अब ये मेरा भाई लेकर आया है खल, इसने बहुत टाइम से खल को भिगोया हुआ था, और अब ये इसमें डालेगा पानी खल का, और खल भी इसी में डालेगा। तो ये बहुत ही पसंदीदा चीज़ होती है गायों की, और वो बहुत ही शौक से इसको खाती हैं, तो ये इसको इसमें करेगा मिक्स, और फिर इसको थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़ा और खल डालेगा और फिर गाय को खिलाएगा। तो भाई देखते जाएं कैसे बनता है एक गाय का चारा। हमारा भाई बहुत ही मेहनत करके इस चारे को तैयार कर रहा है, आपके सामने ये वीडियो में दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये खल को तोड़ तोड़ के पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और आप लोगों को ये बहुत गंदा लग रहा होगा, लेकिन यही तो मज़े हैं मेरे भाई बकरीद के, ये खुशबू, ये खल वाला पानी, क्या बात है क्या बात है, मज़ा ही आ गया भाई आज तो देख के, पुरानी यादें ताज़ा कर दी भाई भैया ने हमारे। खैर भाई इसने कर दिया है चारा तैयार, और अब ये ऊपर से एक दफ़ा और खली और भूसी डालेगा, और गाय को ये फौरन पेश करेगा खाना। ये डाल दी इसने ऊपर से भूसी ताकि गाय इसको बेहतरीन तरीके से खा ले। चले भाई चलते हैं और दिखाते हैं कि गाय किस तरीके से इस चारे को खाएगी। तो भाई चलो, भाई चलो गाय को चारा खिलाएं और फिर वापसी आएं। यहाँ पे एक गाय उतरी है भाई, बहुत ही शपाटर गाय उतरी है, चले छोड़े, हम गाय को चारा खिलाते हैं, और हमारा भाई आगे आगे चल रहा है, चारा उसके पास है, और गाय को अब वो डालेगा चारा, और गाय खाएगी चारा, और हम जाएंगे पढ़ेंगे नमाज। भाई गाय इस वक्त मूड में नहीं है चारा खाने के, भाई बहुत कोशिश कर रहा है, बार बार सामने रख रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, नहीं खा रही।
भाई ये वाली जो गाय आप देख रहे हैं ना, ये हो गई है शपाटर गाय, ये उठा उठा के लोगों को फेंक रही है। मैं वीडियो पूरी नहीं बना सका हूँ क्योंकि इसने अभी हड़ाहुड़ी मचा दी थी यहाँ पे, लेकिन भाई ये खुली ना तो ये हाथ नहीं आएगी इन सब के। तो ये गाय ने भाई दुलत्ती चलाई और अब ये एक बंदे के पीछे दोबारा जाने को तैयार है। तो भाई बच के रहो भाई, बच के रहो। तो भाई सिलसिला ये है कि गाय ने चारा नहीं खाया है, शायद भूख नहीं लगी उसको तो छोड़ दिया है। वैसे भाई बता रहा है कि वो सूखा भूसा खा रही है, तो क्या पता उसने खल मिला दिया तो इसलिए वो नहीं खा रही। तो रख दिया है उसी के पास चारा, देखते हैं खाती है नहीं खाती, वहीं छोड़ दिया है चारा। चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ को देर हो रही है, नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा दिन निकलता है तो फिर घर चलेंगे और फिर इंशाल्लाह देखेंगे अगर गाय ने कुछ खाया हुआ फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। नाश्ते का मूड हो गया है, करते हैं नाश्ता, खाते हैं नाश्ता और फिर करते हैं नाश्ता और दिन जैसे ही निकलता है फ़ौरन घर की तरफ निकलते हैं। बहुत हो गया, अब घर जाना है, जाके सोएंगे फिर तो जाके लाते हैं नाश्ता। भाई बेहतरीन वाली चाय बन रही है, आगे घर जाएंगे फिर पियेंगे चाय और खाएंगे पराठा। शुरू हो गया पराठा, हो गए क्या बात है भाई। आएगा ना भाई फिर नेट पे आएगा, तुम नेट पे ये रेडी लग रही है चाय की और चाय हो चुकी है तैयार लेके जाने के लिए। पराठे भी बन चुके हैं, बाल आ गया है और ये भाई ने और डाल दी इसमें चाय। मेरा भाई भाई ले लिए हैं पराठे ते चाय, तो करते हैं चल के नाश्ता और दिन भी निकला है, फ़ौरन घर निकलते हैं, घर पहुँच के सोना भी है भाई, अगले दिन भी काम है जो करने हैं, वीडियो भी एडिट करनी है, डालनी भी है, ऑफिस कल नहीं है, छुट्टी है कल। तो चलते हैं जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो फाइनली भाई घर के लिए निकल दिए हैं और घर पहुंच के बस फिर आखिरी अलविदाई तकरीर करूँगा और उसके बाद फिर सो जाएंगे क्योंकि कल उठ के बहुत काम है जैसे मैं बता चुका हूँ। चलते हैं घर और फिर वहाँ कनेक्ट करते हैं, आखिरी ब्लॉग का हिस्सा वहीं करते हैं। तो मेरे भाई आ चुके हैं घर, जल्दी से करते हैं चेंज और फिर सोते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी व्लॉग में, तो जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जब वीडियो आप देखें तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अस्सलामुअलैकुम।